इन दिनों भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण है खालिस्तानी आतंकवाद। पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे खालिस्तानियों से ध्यान हटाने की कोशिश की। भारत ने पहले से ही खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर कनाडा से बात की है, लेकिन कनाडा की सरकारें हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे खालिस्तानी कनाडा में पनप रहे हैं और कनाडा की सरकारें उनको रोकने के लिए किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही। दरअसल कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो कनाडा में पिछले एक साल में 6 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। यानी 4 जून को कनाडा के ब्राम्पटन में ऑपरेशन ब्लू स्टार की एनिवर्सरी पर एक परेड निकाली गई और इस परेड में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का उत्सव भी मनाया। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो कनाडा सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 2021 के बीच कनाडा में धर्म और नस्ल को लेकर क्राइम लगभग 72% तक बढ़ा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों के अंदर डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन खालिस्तानी आंदोलन कनाडा में ये कोई पहली बार नहीं। खालिस्तानी आंदोलन से कनाडा का पुराना इतिहास। कई जानकारों की माने तो 70 के दशक में भारत की एक बड़ी सिख आबादी कनाडा में जाकर बस गई और उस समय पहली बार पंजाब में सिखों को एक अलग देश देने की मांग उठी। 1974 में भारत की तरफ से किए गए परमाणु परीक्षण के मामले पर दोनों देशों के बीच अलग अलग मत होने की वजह से दोनों देशों में दूरी होने लगी, जिसके बाद जब कनाडा में खालिस्तानी अलगाववाद तेजी से पनपने लगा और उन्हें रोकने के लिए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 23 अगस्त 1985 को खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क को बम से उड़ा दिया। बीच हवा में जहाज में धमाका होता है और इस धमाके में लगभग 329 लोगों की जान जाती है। बताया तो ये भी गया कि इनमें अधिकतर लोग कनाडा के नागरिक थे। और उस दौर में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो, जो कि मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता थे, उनसे खालिस्तानी आतंकियों पर नरम रुख अपनाने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बावजूद भी कनाडा ने खालिस्तानियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं। अब सवाल उठता है कि कनाडा की सरकारें खालिस्तानी आतंकियों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि वोट बैंक की राजनीति। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की आबादी 3,82,00,000 की है, जिसमें लगभग 2.6% की आबादी सिखों की है, मतलब कि 9.5 लाख की आबादी सिखों की। ये एक बड़ी आबादी। सिखों की ये आबादी इतनी है कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा कहीं आबादी सिखों की है तो वो कनाडा में ही। अब इतनी बड़ी आबादी होने की वजह से कनाडा की सरकारों को लगता है कि अगर खालिस्तानियों के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाएगा तो उनके वोट बैंक पर प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे में वो किसी भी तरीके का सिखों पर एक्शन नहीं लेना चाहते और अपने वोट बैंक पर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं डालना चाहते। तो फिलहाल कनाडा और भारत के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया है और भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। बाकी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़बुक।